अरे मैं अभी गया ना, ऊपर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर रोकता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर से जब छोड़ता है ना, सर रेडी 1 2 3 बूम। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल द बिग चैलेंजर में, और मैं आज एक ये मेरा दूसरा ब्लॉग है, और पहला ब्लॉग अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ वहां से देख लीजिए। और चलिए निकलते फटाफट, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब गाड़ी में बताएंगे क्योंकि अभी बहुत लेट हो चुके हैं हम लोग। चलिए चलो। दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग CNG भरवा रहे हैं, गाड़ी में CNG फुल हो रही है, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं और बाकी सबसे भी मिलते हैं। यहाँ से 90 किलोमीटर जहाँ से मैं रहता हूँ कड़ोदरा चार रस्ता सूरत से 2 से 3 घंटे का ट्रैवल्स है, यहाँ से 90 से 95 किलोमीटर है सोनगढ़ जाना है, और उसके बाद उसके आगे भी जाना है फिर। तो चलिए आगे बढ़ते, तब तक CNG भरा रहा है, उसके बाद आगे। हेलो गाइस, तो मैं सरोत्तम भाई का छोटा भाई, और अभी हम लोग सब एक साथ मिल तो गए हैं बट आपको इंट्रोड्यूस किया नहीं हूँ, जो कि अभी करना बाकी है। फिलहाल मैं जो अभी अपने गाड़ी में है और गाड़ी में जो जो बैठे हैं उनके बारे में एक बार बता देता हूँ। तो ये मेरे थोड़े बड़े भाई हैं, तो बड़े बड़े भाई पुरुषोत्तम भाई, फिर ये उनसे बड़े गौतम भाई, जो ड्राइव कर रहे हैं वो है विकास भाई, जो कि लम्बोडन भी हम बोलते हैं उनको, और ये मेरे प्रिय भाई सर्वोत्तम भाई। तो अभी हम जो जा रहे हैं रूसिया एडवेंचर पार्क में जा रहे हैं, रसिया हाँ वही रसिया रसिया होगी, गुंडे में फंस गई और क्या। तो हेलो गाइस, तो अभी हम रुके हैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, ताकि हमारे साथ कौन कौन है आप जान सकते हैं, हम और मेरे जो भी इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले मेरे अंकल से, जो कि आप इनको बहुत पहले देखे भी होंगे कई सारे चैलेंजेस वीडियो में और लास्ट ब्लॉक में, मतलब जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक था उसमें। बता दो भाई, जो इनाम देते वापस लेते। चुप हो जा सातवीं फेल। ये हमारे अर्जुन भाई हैं, जो कि पोल खोलते हैं भाई, सच सत्य बोलता हूँ मैं, सत्य कम। तो अभी थोड़ा सा ये देखिए, जरा सा क्या सिस्टम हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए दोनों चाचा भतीजा। फिर मैं मिलाता हूँ अपने दादाजी से, बाबा यहाँ देखिए बाबा, ये मेरे दादाजी, थोड़ा बहुत हाई कीजिए कैमरा में, हाई कीजिए हाई कीजिए। फिर ये मेरे बड़ेप्पा हैं, जो कि आम का पूरा मजा लेते हुए। फिर ये मेरे पापा, मैं इनका चाचा था लेकिन छोटा भाई हूँ। ये भी हमारे फेवरेट अंकल हैं, नंदू अंकल। ये पंकज भाई, पंकज उदास, और सबसे मंडलाप्पा। काफी लंबा ट्रैवल्स करके आए हैं, तो अभी हम लोग फिलहाल में ना बीच में रुक करके नाश्ता कर रहे हैं, और यहाँ से नाश्ता करके हम निकलने वाले हैं। सब यहाँ पर फुल एंजॉय कर रहे हैं, अभी नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा भूख लग गया है, और यहाँ से खाने के बाद अभी निकलेंगे तो हम लोग जाएंगे अपने टारगेट पे। बॉडी कैसे बनता है बताइएगा मत किसी को, कैसे बनता है क्या बॉडी? इमरजेंसी मिल है। अच्छा इमरजेंसी मिल, प्रोटीन वाला ही लेता हूँ। बाबा आप पकड़ा गए थे रास्ते में। तो यहाँ हमारा नाश्ता हो गया, अब यहाँ से निकलने वाले हैं कुछ टाइम में, मिनिमम 5 मिनट और लगेगा।
भाई मेरे लिए रुको 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 नहीं। देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर अभी पहुंच चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं रसिया एडवेंचर इधर देख लीजिए। और अभी हम लोग यहाँ जस्ट पहुंचे ही हैं, तो अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या क्या सुविधा है अंदर। तो अंदर क्या क्या है और भी कुछ जैसे एडवेंचर है उसके टाइप से यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन भी बने हुए हैं। यहाँ पर ग्रास में ये देखिए कम्प्लीट दिख रहा होगा, एक काका है यहाँ पर एक बैठे हुए। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं आपको अंदर जाकर के बताता हूँ कि क्या फीस है यहाँ का, क्या चार्जेस है पर पर्सन, कितना चार्जेस है और क्या टाइमिंग है, कितने बजे ओपन होता है, तो सब बताता हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे अंदर, बहुत कुछ इधर दिख रहा है देखने के लिए भी, बहुत उधर चलते हैं क्या चार्जेस है क्या टाइमिंग है टोटल कंप्लीट। जैसे हम लोग आए तो यहाँ एक मुझे गेस्ट हाउस टाइप दिख रहा है, यहाँ पर बैठ करके थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं रेस्ट रूम। और यहाँ काउंटर पर हम पूछते हैं इनका चार्जेस क्या है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, चार्जेस आप यहाँ का बता सकते हैं क्या है, मेम्बर क्या नहीं? हाँ साथ में, फिर भी हमारा क्या ब्लॉग शूट हो रहा है तो ब्लॉग में मुझे दिखाना है इसके लिए। तो हमारे साथ आपका नाम क्या है? सौरभ भाई। तो सौरभ भाई हमारे साथ अभी हैं और ये आपको चार्जेस प्लस क्या क्या है टोटल यहाँ पर बताएंगे। यहाँ का चार्जेस क्या बताएंगे? अपने तीन पास रहते हैं, फर्स्ट पास है, लेजर पास है, वो आपको विद जीएसटी प्राइस 1404 में पड़ता है। फिर अपना एडवेंचर पास है, वो आपको 1800 में पड़ता है। और तीसरा अपना एक्सट्रीम एडवेंचर पास है, उसमें सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है, वो आपको 2336 में पड़ता है एक जन का। अभी कुछ ऑफर चल रहा हो ऐसा कुछ, या फिर हमारे चैनल से व्यूअर लोग आते हैं तो उनके लिए कोई डिस्काउंट की ऐसा कुछ है? हाँ सर, अभी अपने 3000 का वाउचर मिलता है, वो आप परचेस करो ना अभी, तो उसमें आपको दो जन की सारी एक्सट्रीम एडवेंचर की कूपन मिलती है दो। और उसके ऊपर आपको टिकट चाहिए तो आप बाय वन गेट वन फ्री करके ले सकते हो। और फिर आपको फूड में भी 20% ऑफ मिलता है, और टेंट जो अपना टेंट है, अगर टेंट लिया हो उसमें 50% ऑफ मिलता है आपको। अभी हम यहाँ पर ये पूछेंगे, पकड़ो, अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि टाइमिंग क्या है इनका, टाइमिंग क्या है, कितने बजे तक आ सकते हैं यहाँ पर, और टाइमिंग बता सकते हैं आप यहाँ का टाइमिंग क्या है? यस, अपना टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक रहता है। अच्छा, एक्टिविटी में क्या क्या है यहाँ पर अपने को, एक्टिविटी में एक्स्ट्रा एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, जैसे कि हम जो पैकेज ले रहे हैं उसमें क्या क्या एक्टिविटी आप बताएंगे थोड़ा? देखो, अपना फर्स्ट पैकेज है लेजर पास है, वो उसमें थोड़ी बेसिक वाली गेम्स रहती है, जैसे जिप लाइन आ गई, फिर इंडोर गेम्स आ गई। फिर अपना दूसरा एडवेंचर पास है, उसमें थोड़ी हाइट वाली एक्टिविटीज़ रहती है, जैसे स्काई वॉक है, ह्यूमन स्लिंग शॉट है। और तीसरा अपना एक्सट्रीम एडवेंचर पास है, उसमें अपनी मेन एक्टिविटीज़ आती है, जैसे पेंट बॉल हो गई, एटीवी हो गई, वो आती है। अच्छा, यहाँ पर रेस्ट रूम प्लस स्विमिंग पूल या सब की अदर और कुछ सुविधा है? अपने रेस्ट रूम है, फिर कैफेटेरिया भी है अपने पास, फिर रेस्टोरेंट है, स्विमिंग पूल है अपने पास, स्विमिंग पूल भी, जैसे कि वाटर पार्क भी है। अच्छा, और मिनी वाटर पार्क भी है, स्विमिंग पूल की भी है। और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप डायरेक्ट, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से कमेंट करके प्लस कॉल करके डायरेक्ट इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और एक बार विजिट करिए। हम लोग सूरत से ये तो प्रॉपर हमको थोड़ा नज़दीक पड़ता है, 70 से 80 किलोमीटर। आप भी अगर सूरत से व्यू कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर यहाँ इनका देख सकते हैं कि वहाँ पर एक्टिविटी क्या है बाहर में, जैसे कि सब। प्लस फूड के बारे में पूछ लेते हैं, यहाँ पर फूड वेज में अवेलेबल है कि नॉन वेज अवेलेबल है कि सारे अवेलेबल है, टोटल हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो जैसे कि आप बताएं यहाँ पर फूड में वेज नॉन वेज दोनों अवेलेबल है, ओनली फॉर वेज है? सर, अपने एडवेंचर एरिया में सिर्फ वेज मिलता है। बिल्कुल, जैसे कि हाँ यहाँ पर काफ़ी लोग जैसे भी इतना नॉन वेज खाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि एडवेंचर एरिया, ज़्यादा डिनर टाइप ले लेंगे तो यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके लिए यहाँ पर वेज ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल, चलिए फिर आगे हम लोग मिलते हैं, आगे वीडियो में देखते हैं। प्लस इनका जो भी डिटेल्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के व्यू कर लीजिए और इनसे कांटेक्ट करने का जरूर कोशिश कीजिए। तो चलिए आगे अंदर मिलते हैं हम लोग, अंदर वीडियो में देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे। I'm done cleaning up.
हमने प्रॉपर पेमेंट भी कर दिया है, 19,084 रुपया कुछ हुआ है, तो लगभग 15 जन हैं। और फिर से बोल रहा हूँ कि मेरे किसी भी सब्सक्राइबर, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और इंस्टा पे मुझे मैसेज करना है। इसमें टोटल 15 कूपन है, 15 बंदे को यहाँ से मैं कुरियर करूँगा और उसके पास से पहुँचेगा। तो प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट मुझे इंस्टा पे भेजें। तो बाकी सब आ ही गए हैं, बस मैं और मेरे बड़े भाई बैठे हैं। तो फिलहाल में हम आ ही गए हैं, अब इम्तहान का घड़ी ख़त्म हुआ, अब देखते हैं अंदर में क्या क्या है, जो जो होगा सब आपको दिखाएंगे। शुरुआत से लेके लास्ट तक, छोटे से लेके बड़ा, हर राइड आपको दिखाएंगे कि राइड्स में क्या होता है। ये राइड्स है अपना रिवर्स बंगी। तो यहाँ पर हमारे जो है दो भाई में झगड़ा हो रहा है कि कौन जाएगा, दोनों के दोनों चाचा भतीजा हैं। कौन कौन किसको खींच पाता है? भाई आप लोग लड़ लो, उसके बाद मैं चला जाता हूँ। भाई बॉडी टाइट कर लिए। अभी है ना गौतम भाई से रिव्यू लेते हैं, कैसा लगा गौतम भाई आपको? बहुत ही डेंजरस, मतलब जाते समय कोई इशू नहीं है, बट आते समय लगता है कि अपने डाई मार रहे हैं। बहुत डर गया था एक्चुअल में, पहला दूसरा तीसरा चौथा बार डर गया। क्या वो ढाई कहाँ के ढाई ढाई पहली बार बस बस करके फंस गया था, 2 मिनट के लिए पावर कट गया था। तो ये देखिए मेरे दादाजी भी कर रहे हैं, इनका एज 75 एज है, वो भी ट्राई कर रहे हैं। रेडी ये पूरा जो है प्रॉपर बच्चे लोग के लिए ही है। ये देखिए इसमें बड़े भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे, बट बाकी ये प्रॉपर बच्चे के तौर पे ही है। इसके ऊपर चढ़ना है, यहाँ पर देखो सब सेफ्टी बेल्ट बांधा जा रहा है। ये देखिए सेफ्टी बेल्ट, तो यहाँ पर काफी सेफ्टी तो काफी है, यानी कि अगर आप छोटे राइड्स पे भी चढ़ेंगे तो आपको सेफ्टी के साथ ही भेजा जाएगा। Yeah.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on दोस्तों आप देख लीजिए, ये ऊपर वाले जो भाग है वो काफ़ी हार्ड है, मतलब हर राइड्स में जो है ना आपको ऊपर वाला काफ़ी राइड्स मिलेगा, काफ़ी हाइट मिलेगा। नीचे वाला तो इजी है, मतलब नॉर्मली 12-13 साल के बच्चे हैं तो नीचे आराम से कर सकते हैं, ऊपर वाले में काफ़ी हार्ड है। दिखने में थोड़ा ईजी लग रहा है बट करने पर ही पता चल रहा है हमें कि क्या हार्ड है और क्या ईजी है। बाबा आराम से यहाँ से चेंज करते समय ध्यान दीजिएगा, व्यवस्थित लॉक हो जाएगा तभी आगे जाइएगा। आराम 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 से। ओ लंबू सर, लंबू सर, उभरो उभरो। हिम्मत में बाबा आप कर सकते हैं। यहाँ ओवरलोड हो गया, गाड़ी पे ओवरलोड, यहाँ एक्सीडेंट हो गया। एंग्री बर्ड की तरह ये लोग उड़ेंगे अभी। ए टू थ्री तो ये तीनों नीचे अभी आ चुके हैं और इनसे पूछते हैं कि ऊपर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा लगा आप दोस्तों? देखने में बहुत सिंपल लग रहा था बट ऊपर जब गया, जब राउंडिंग हो रहा था उसमें जितना डर नहीं लगा, जितना ऊपर जाके होल्ड किए हम लोग, जब अब होने वाला अब छोड़ेंगे बहुत ज्यादा डर लगा। सेकंड नंबर जैसे ऊपर से नीचे आते, ये दोनों पार्टनर जो मेरे ऊपर ही प्रवचन आ गया था बट मुझे लगा टूटा जमीन पिघला बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, फुल सेफ्टी के साथ में वसूल किया। एक्चुअल में ऊपर जाते समय बहुत एक्साइटमेंट था कि कितना ऊपर जा रहा, कितना ऊपर से नीचे डालेगा वगैरह वगैरह, बट पहला राउंड जब ऊपर से मैं नीचे आया तो एक्सट्रीमली बता रहा हूँ कि मेरी पूरी आंखें बंद थी और आपकी मेरी तो खुली थी, बहुत मजा आया। ना ना कसम से, देख लिया वीडियो में देख लीजिए। पहला राउंड आने के बाद बाकी का 10 राउंड बहुत मजा आता, मतलब फुल एंजॉयमेंट। लाइक ऊपर गए थे, इनका रिव्यू लेंगे कि उतने ऊपर हाइट पे जा करके नीचे आते समय कैसा फील होता है, तो कैसा लगा था आपको?
अरे मैं अभी गया ना, ऊपर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर रोकता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर से जब छोड़ता है ना सर रेडी 1 2 3 बूम हालात करा। मैं इतना ही, मिलते हैं पार्ट टू में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा बन चुका है और अभी बहुत सारे राइड बाकी है, वाटर पार्क बाकी है, स्विमिंग पूल बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके और एक बार जरूर आओ यहाँ पर, आप देखो बहुत मजा आता है और सही मजा आएगा। पैसा वसूल, पैसा वसूल, पूरा पैसा वसूल हो जाएगा।